इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जान के अपने दुबई न्यूज़ की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल पे डेरी बेसर पे और सबसे पहले यूएई और गल्फ कंट्री की कोई भी न्यू अपडेट आती है जो वीज़े के मुतल्लिक या कोई न्यू रूल आता है तो सबसे पहले शेयर किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात मुल्क में सबसे बेहतरीन कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनमें काम किया जा सकता है और सैलरियां अच्छी मिलेंगी। इमराती फजाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए अपना फ्लैट ऑपरेशन बहार कर लिया, अवाम में खुशी की रेल दौड़ गई। अहम खबर पढ़िए। दुबई मजदूरों के लिए हिफाजती इकदाम में गफलत बरतने पर कंपनी को 5 लाख दरम जुर्माना की सजा सुना दी गई। अबू ज़ेबी सोशल मीडिया पर अतिया मुहिम का हिस्सा ना बनिए, आप खतरनाक तंजीम की माली मुआवियत कर सकते हैं। इमराती हुकूमत ने अवाम को खबरदार कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात खबरदार, एयरपोर्ट पर किसी अजनबी का सामान कबूल करने से गुरेज करें, बासूरत देकर आप मुस्कर में फंस सकते हैं। अगर मैं अपने दोस्त को गाड़ी चलाने दूं तो क्या तमाम तल ट्रैफिक पार्किंग जुर्माने इसे अदा करने होंगे या मुझे अदा करने पड़ेंगे। वजीर आजम ने अदलिया से बड़ा शिकवा कर दिया, करप्शन के खिलाफ जंग खतरे में पड़ गई। इमरान खान ने बुरी खबर सुना दी, इराकी वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी मुत्तहिदा अरब अमीरात पहुँच गए। आज यूएई में जो न्यू कोरोना केसेस आए हैं उनकी तादाद 2113 है और आज की डेट में माशाल्लाह से तो ठीक हुए हैं उनकी तादाद 2279 है। अब जानिए खबरों की पूरी तफसीर। दुबई क्रिएट प्लेस टू वर्क नामी आर्मी कंसल्टेंट फर्म ने 2021 में मुत्तहिदा अरब अमीरात में काम करने के लिए अपनी बेहतरीन कंपनियों की फहरिस्त जारी की है। ताज़ा तरीन दर्जा बंदी में रिटेल D1 14 पहली नंबर पर आ गई है और ये मुलाजमीन की फ्राय बहुत के लिए बेहतरीन कंपनी बनकर उभरी है। दूसरी कंपनियों में जो काम करने के लिए बेहतरीन कंपनियों की फ्रेश में शामिल किया गया, इसमें दूसरे दर्जे की इलास्टिक कंपनी DHL, इसके पास चिरोप ग्रुप, फायर होटरो, बिल्टन होटरो, दुबई पुलिस अकेडमी, शंतरी फाइनेंस, सिप्रेस और एड्रेस प्रॉपर्टी शामिल हैं। मजीद जो यूएई की बेस्ट और अच्छी कंपनी है उनकी लिस्ट ये मजदा जहर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो दोस्त जॉब्स के लिए यूएई के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि ऑनलाइन इन कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी पर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक फ्लाई दुबई की जानब से ऐलान किया गया कि 8 अप्रैल से बोइंग 737 की खसूसी परवाजें मुसाफरों के लिए शुरू कर रही है। जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से एयर कल तक कोरोना SOP पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कंपनी की जानब से एक बयान में वाजा किया गया, कंपनी अपने बोइंग तैयारे की मदद से पहली परवाज 8 अप्रैल को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना करेगी। इन्होंने कहा इस हवाले से मुसाफरों को पहले ही आगाह कर दिया गया है, वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्लाइट दुबई की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इस हवाले से डेरी गल्फ उल्टू से बाहर करते हुए कहना था कि बोइंग तैयारे इनकी कंपनी का कीमती एहसास हैं और इन्हें इनकी खसूसियात पर मुकम्मल इतमाद है। तफसीलात के मुताबिक दुबई की एक तमरीदादी कंपनी में काम कर रहे एशियाई मजदूर को इस वक्त मजदूरी का सामना करना पड़ा जब दुराने काम इस पर ईंटें गिर गईं, जिससे मुताजरा मजदूर चलने की सलाहियत घो पैटा और व्हील चेयर का मुताज होकर रह गया। मजकूरा वाक्य के बाद मजदूर की चलने की सलाहियत कम होकर 80% मुतासर हुई। इसके अलावा एशियाई मजदूर को कम्बल में 20% मजदूरी का सामना है। अदाली फैसले के मुताबिक ईंटें गिरने से मजदूर की दोनों पाँव, टांगे और जिसम के मुतर मकाम शदीद मुतासर हुए हैं। यार इससे कबर मजबूरा कंपनी पर फौजदारी अदारे की जानब से 10,000 दरम जुर्माना आयद किया जा चुका था, जबकि मजदूर की मजदूरी के उस 2 लाख दरम मजदूर को अदायगी की जा चुकी है। बाजार मजदूर ने कंपनी के खिलाफ शोशा मुकदमा दायर किया जिसमें मौका बनाया कि वह खानदान का वायद कफीर है। अदारे ने कंपनी को मजदूर को मजीद 5 लाख दरम मजदूर जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है।
अब उधर भी पुलिस की जानब से एक बयान जारी किया गया जिसमें अवाम को जैली अतिया मोम चलाने वाले अफराद से बचकर रहने का कहा गया। पुलिस ने वाजिया किया हुकूमती इजाजत के बगैर चलाई जाने वाली हल अतिया मोम फ्राट है और इस अनासर के खिलाफ हुकूमत कानून का सकना सख्त कर रही है। यार इमराती कानून की शक 27 प्राय इंसाद जराम तहज गलती 2012 के तहत सरकारी इजाजत नामे के बगैर अतियात मुहिम चलाना बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर कैद जुर्माना या बेक वक्त दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इस सूरत में मजगूरा शख्स को 2.5 लाख दरम से 5 लाख दरम तक का भारी जुर्माना आयद किया जा सकता है। इसके अलावा कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। पुलिस ने अपने बयान में अवाम से अपील की है वो अतिया मुहिम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें और गरीबों को खुशियां देने में अपना किरदार अदा करें, लेकिन अतिया ऐसे अफराद को दें जिनके पास बगैता हुकूमती रिसंस मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की फेडरल कस्टम अथॉरिटी की जानब से एक बयान जारी किया गया जिसमें मुसाफरों को तनबीह की गई है कि किसी भी सूरत अजनबी मुसाफर का सामान कबूल ना करें, यहाँ तक कि आपको मालूम ना हो जाए कि सामान किस नौयत का है। अथॉरिटी की जानब से बयान में कहा गया हदायत पर अमल ना करने वाले कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। यार दुनिया भर के दीकर एयरपोर्ट की तरह इमराती हकाम की जानब से भी नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है जिसके तहत बहुत सी चीज़ों को दौरान प्रवास अपने हमराह रखने पर मुसाफर मुश्किल में पड़ सकते हैं। अदारे की जानब से खबरदार किया ममनुमा हिस्सा की सामग्री में मुरव्वत पाए जाने वाले शख्स को जुर्माना कैद की सजा बेवक्त दोनों सजाएं एक साथ सुनाई जा सकती हैं। इसलिए मुसाफर सफर के दौरान कस्टम हकाम को कीमती नकदी और दीकर सामान के मुतलक खुद बता दें। यार अगर आप इमारत में अपनी इतवायात लाना चाहते हैं तो आपको दुआओं का असली नुस्खा भी हमराह रखना होगा। दुबई में मुकीम एक शख्स ने खरीज टैम से सवार किया मैं अपनी कुछ जाती वजूहत की बना पर इमरात वापस बल्तानिया जा रहा हूँ, मेरे अगले साल इमरात वापसी का एलान है क्योंकि मेरे यहाँ कुछ कारोबारी मामलात हैं। अकेला मेरे पास रिहायशी वीज़ा नहीं होगा, ताम क्या मैं अपनी गाड़ी अपने नाम पर ही रख सकता हूँ? मेरा रहता है कि मैं अपनी कार दोस्त को इस्तेमाल के लिए दे दूँ, ताम मुझे खस्ता है कि कहीं इस गाड़ी पर होने वाले ट्रैफिक या दीगर जुर्मानों की जिम्मेदारी मुझ पर ना आ जाए, इस मामले में रहनुमाई फरमाएं। जैसा कि आपने बताया अपनी गाड़ी एक दोस्त को इस्तेमाल के लिए देने का इरादा है, ताम याद रखिए कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फीस, पार्किंग फीस, टार फीस, ट्रैफिक जुर्माने और पार्किंग जुर्माने सब इनके नाम पर दर्ज होंगे। ट्रैफिक खराब वर्दियाँ मसलन हाथ रफ्तार की खराब वर्दी, खतरनाक ड्राइविंग करने, राहगीरों को गुजरने का रास्ता ना देने, ट्रैफिक के भाव में रुकावट पैदा करने, गलत मकाम पर पार्किंग करने वगैरह पर जुर्माने आपको ही अदा करना होंगे। अगर आपकी गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो जाती है जिम्मेदारी आपकी ही है गाड़ी पर, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक दूसरी गाड़ी को पहुँचने वाले नुकसान की कीमत भरना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। इन सब सूरत हाल को सामने रखते हुए आप अपनी वक्ती तौर पर अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन RTA से रब्ता करके मंसूख करवा सकते हैं। जब ये ट्रैफिक सिस्टम पर आपके नाम से उसके नाम पे शिफ्ट हो जाए तो उसके हवाले कर दें। तफसीलात के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जंग में इमरान खान को अदरिया की याद सताने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सवालात के जवाब देते हुए वही पुराना करप्शन का राग गाया। इन्होंने कहा कि करप्शन हर गरीब मुल्क में फैला हुआ कैंसर है, करप्शन तो अमीर मुल्क का बेरा घर कर देती है, हमारा मुल्क तो फिर भी गरीब है। इन्होंने मलेशिया की मिसाल देते हुए कहा कि किस तरह से वहाँ पर अभी कर्जों के नीचे वो मुल्क दब चुका है। इन्होंने कहा कि करप्ट हुक्मरान गरीब ममालक में करप्शन करते हैं और सालाना अरबों डॉलर अमीर ममालक में मुनकर कर देते हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का 7,000 अरब डॉलर मुल्क से बाहर पड़ा है जिसे ताकतवर ममालक अपने फायदे के लिए वापस नहीं कर रहे। इन्होंने अपने खिताब में अदिया को मुखातब करते हुए कहा करप्शन के खिलाफ अदिया के बगैर नहीं लड़ सकते, इसकी ताज़ा मिसाल नवाज शरीफ की है। हमने इनसे 7 अरब के जमानती बॉन्ड मांगे थे लेकिन वो अदिया का सहारा लेकर बाहर चले गए। इसके अलावा मजीद उन्होंने बात करते हुए इमरान खान साहब ने बताया इस सूरत में कैसे करप्शन के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मजहब मुआशरे में कौन सी वजीर चोरी करे तो खुशकसी कर लेता है क्योंकि इसे कोई माशरे में बनाना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ गंगा ही उल्टी बहती है, यहाँ चोरों को शादियों पर बुलाया जाता है। इन्होंने कहा अकरे करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि सब चोर लटेरे इकट्ठे हो चुके हैं। इमरान खान के साथ सिर्फ एक जंग है, वो NRO लेने की है।